आप देख सकते हैं जब बागेश्वर धाम सरकार ने कहा आ जाओ एक तरफ से पुलिस वाले सभी का एक तरफ से हम पर्चा बनाएंगे, बागेश्वर धाम सरकार पुलिस वालों का पर्चा अचानक से बनाने लगे, सभी पुलिस वालों में खलबली सी मच गई। हमारी बोलना खुल जावे, हमने जितनी रिश्वत ली है सब बोल खुलना खुल जावे। बागेश्वर धाम सरकार ने देख सकते हैं लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस का भी पर्चा सभी का बनाया। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं भगत भी आश्चर्य चकित रह गए। सभी लोग सोचने लगे कि महाराज जी किस प्रकार से बता देते हैं, इस भैया की तो पुलिस वालों की फैक्ट्री भारत बागेश्वर धाम सरकार ने, इनके ऐसे क्रियाकांडों की पोल खोली बागेश्वर धाम सरकार। जनता भी आश्चर्य चकित रह गई देखते देखते। अगर आपको भी बागेश्वर धाम सरकार से पर्चा बनवाना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, आपके पर्चा बनेगा। ये भैया भी बागेश्वर धाम सरकार में, ये लेडीज भी पुलिस पहुंची थी, बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास नहीं करती थी, बालाजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, दिव्य शक्तियों को नकारती थी। आज जनता लाखों की तादाद में बागेश्वर धाम सरकार को मानने लगी है। क्या आप लोगों को भी बागेश्वर धाम बालाजी पर विश्वास नहीं है तो आप इस बहन से पूछ लीजिए, ये पुलिस वाली थी बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास नहीं करती थी, जब बुलाया गया तब पुलिस वालों को और इनका पर्चा बना दिया गया बागेश्वर धाम सरकार ने अपने कलम से। जी हाँ, और जो भी देखा सत्य निकला परम पूज्य बुद्ध कृपा से। और आपको बताते चले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसी अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, नई नई वीडियो लाते रहते हैं परम पूज्य बुद्ध की। ये देख सकते हैं ये माता के लिए बहुत अच्छा फिर लेकर आई थी, आजकल के लड़के माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये बहन इंस्पेक्टर जो पुलिस वाली हैं अपने माँ बाप के लिए पर्चे के उद्देश्य आई थी और माँ बाप की खुशी के लिए आई थी, मगर परम पूज्य गुरुदेव ने इनकी मन की बात जान ली और पर्चे पर स्वयं पहले लिख के रखती थी। आपको बताते चले परम पूज्य गुरुदेव का देश में नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बज रहा है। क्या आप लोग भी चाहते हैं हमारा सनातन धर्म जगे और सनातन धर्म की कीर्ति और आगे फैले तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर परम पूज्य गुरुदेव को मानते हो तो, अन्यथा नहीं मानते तो मैं समझूँ आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, शेयर नहीं करा। और आप गुरुदेव को मानते नहीं हैं, आपको भी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास नहीं है। जी हाँ, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग तो इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, और जो लोग विश्वास करते हैं बालाजी पे और जो अपने दुखड़े मिटवाना चाहते हैं अपनी समस्याओं को दूर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। ऐसी पब्लिक जनता जुटती जा रही है परम पूज्य गुरुदेव एक एक का पर्चा बनाते जा रहे हैं, आपने देख सकते हैं सोशल मीडिया पर परम पूज्य गुरुदेव ने न्यूज़ वाले की भी फैक्ट्री बार दी थी। आप परम पूज्य गुरुदेव की वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जब बागेश्वर धाम सरकार ने न्यूज वालों को भी कहा आप जिसको भी उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्वयं एक के जगह चार पर्चे बनाए और कहा बताइए ये आपको उठाला है, इसमें से दो जने आप ये बताइए ये मेरे पास चार पर्चे हैं कौन सा पर्चा निकालूं। तो न्यूज वाले ने कहा दूसरे नंबर का पर्चा निकालिए, परम पूज्य गुरुदेव ने उसका पर्चा दूसरा निकाला तो उसी का समस्या निकली। तो ये अद्भुत दृश्य है परम पूज्य गुरुदेव का बागेश्वर धाम सरकार जो आज भी देश में नहीं विदेश में परम पूज्य गुरुदेव का धनका बज रहा है। कहते हैं राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आपके पास मौका है परम पूज्य गुरुदेव का और हमारे चरण से जुड़ के लिए सनातन धर्म को जगाने का और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पाने का, तो आपको भी अपना समय कीमती बर्बाद कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पर अगवाए सुन के लिए उनको वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप जो धार्मिक वीडियो हैं जो आपकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं आपके जॉब के बारे में आपके स्टूडेंट के कलेश के बारे में सब दुखों से दूर करके आपकी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं बालाजी से जोड़ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप अभाग्य हो, आपके संसार में बागेश्वर धाम बालाजी के एक दिव्य दरबार ऐसा खुल चुका है जो कि अच्छे अच्छों की ठटरे बार दी है। जी हाँ, पर मुझे गुरुदेव की जनता देखो आप विदेश का जनता ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करती है, उनके कृपा हो जाती है। ये हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में पहुँच रहे हैं। आप लोग भी अगर हमारी कथाओं चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रोडक्शन एक्सर निशान बना में आपकी समस्या दूर होगी और मैं लाइव में आते रहता हूँ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, कभी कभी लाइव में आपकी अर्जी लगा देते हैं। अगर मिलना चाहते हो तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और मिल सकते हैं। एक विशेष सूचना, परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर 121 कन्याओं की शादी होती है। कुछ लोग कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार रोड पर्चा बनाते हैं और दान लेकर ही अपनी पोल्ट्री बंगला बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम मिले बागेश्वर धाम सरकार 121 कन्याओं की शादी करते हैं, इस बार 151 लड़कों की शादी करेंगे जिसमें बागेश्वर धाम सरकार मोटरसाइकिल बाइक वगैरह देंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिवरात्रि को हमें बागेश्वर धाम सरकार शिवरात्रि वाले दिन शादी करते हैं। जी हाँ, इस बार भी बागेश्वर धाम सरकार शादी करेंगे। आप
इस पर पुलिस वालों ने एक एक करके सभी की बोल खोली। आप तो न्यूज वाले भी, पुलिस वाले भी, कलेक्टर हो या डीएम हो या एसपी हो या कोई भी हो, या आप समझ लीजिए बीजेपी के नेता हो या कोई किसी प्रकार के नेता हो, या साउथ के हीरो हो या भोजपुरी के हीरो हो या बॉलीवुड के हीरो हो या आम जनता हो, बाकी छोटा सरकार के नाम पर सभी सामान्य है और सभी का खर्चा बनाया जाता है। ये मत समझे आप अपने बंदों का जान पहचान का पर्चा बनाते हैं। अगर आपको भी समझते हैं, आपको भी डाउट है, आपको भी लगता है फ्रॉड के लिए, आप भी सोचते हैं ये बस माइंडिंग है, तो आप चमत्कार देखने के लिए आप चले जाइए बाकी सरकार से पाने। परमपुर जी गुर्जर कहते हैं बाकी सरकार से का आपकी पैन भी नहीं करके भेज देंगे। कसम है हमें बागेश्वर बालाजी भी, हमें सदगुरु की, कि आप सत्यों में हमसे लड़ सकते हैं और हम दिखाएंगे आपको सत्य क्या होती है। जी हाँ, आपको भी अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप धाम पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को लाखों लोग बागेश्वर धाम सरकार में जाकर अर्जी बांधते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं स्टूडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।